तो आज हम लोग टॉपिक समझेंगे लीनियर इनक्वालिटीज, रैखिक असमिका। तो लीनियर इनक्वालिटीज आपका एक्सरसाइज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो जो कि आपका एक बेसिक बन जाता है। अब जब किसी भी चैप्टर को आप किसी भी एक्सरसाइज को जब आप पढ़ेंगे तो लीनियर इनक्वालिटीज आपका वहाँ यूज होता है, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैथ के लिए लीनियर इनक्वालिटीज समझ में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो लीनियर इनक्वालिटी जब है क्या वो समझना, लीनियर इनक्वालिटीज को आप समझना चाहते और इसको बहुत अच्छे से क्लियर समझना चाहते तो लीनियर इनक्वालिटीज का सबसे पहले हम लोग को इसका सिंबल समझना पड़ेगा। इनक्वालिटीज है क्या, लीनियर मतलब होता है रैखिक, रैखिक मतलब पावर में, अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में वन हो तो वो क्या कहलाता है, लीनियर। अब बात होता है इनक्वालिटीज का, अब इनक्वालिटी क्या है वो समझते थे। इनक्वालिटीज को समझना तो पहले हम लोग समझेंगे सिंबल ऑफ इनक्वालिटीज, मतलब यहाँ पे असमिका, असमिका का चिन्ह। अब असमिका का चिन्ह क्या होता है, तो असमिका का चिन्ह हम लोग यहाँ पे पहला चिन्ह समझते, पहला सिंबल ऐसे इस तरीके का दिया हुआ, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे इज ग्रेटर, ग्रेटर देन। तो इज ग्रेटर देन हिंदी में बोलेंगे बड़ा है, इसको हिंदी में बोला जाता बड़ा है। एक किसका सिंबल है, ऐसे सिंबल दिया हुआ मतलब बोलेंगे बड़ा का सिंबल दिया हुआ है। That is, I और E, I E लिख दिया मतलब that is, मतलब यहाँ पे I E का हम बोलते हैं that is को शॉर्ट में सूचित करते हैं I dot E से, हिंदी में बोलते हैं अर्थात, क्या बोला जाता अर्थात। ऐसे X greater than A, इसको हम लोग पढ़ेंगे X is greater, ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब एक्स बड़ा है किससे, ए से, ए इसको हम लोग रीडिंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझेंगे, मान लेते लेट एक्स इज नेचुरल नंबर, X इज नेचुरल नंबर, X क्या है ना प्राकृत संख्या, तो X प्राकृत संख्या तो X ग्रेटर देन 4, इसको हम लोग पढ़ेंगे X इज ग्रेटर, ग्रेटर देन 4, हिंदी में बोलेंगे X बड़ा, ग्रेटर देन 4, X बड़ा है 4 से। इसको जैसे में अगर हमें लिखना हो तो x क्या बोल रहा है, x बड़ा है किससे, 4 से, तो 4 से बड़ा क्या ना 5 होता है, 6, 7 होता, 8 होता, 9, 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये क्या ना x इक्वल टू वैल्यू क्या होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, कब, जब x ग्रेटर देन 4 होगा तब। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको रीडिंग करना ऐसे लिखा हुआ तो क्या रीडिंग करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए। जैसे एग्जांपल में हम लोग समझ ले एक्स नेचुरल नंबर है, तो एक्स ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब क्या कि एक्स का वेल्यू 4 से बड़ा होगा, वो 5, 6, 7, 8 ऐसे। अब हम लोग समझते हैं दूसरा सिंबल, सेकेंड सिंबल हो जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे इज ग्रेटर देन और ओ आर और इक्वल इक्वल टू, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हिंदी में बोलेंगे बड़ा
बड़ा है या बराबर बराबर है, इसका मतलब क्या, बड़ा है या बराबर है। जैसे में हम लोग अर्थात में समझिए, x greater than a लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे x is greater, greater than or equal to, equal to a, हिंदी में बोलेंगे x बड़ा है या बराबर है a से, हिंदी में बोलेंगे x बड़ा है या बराबर है किससे, a से। जैसे और हम लोग यहां पे एग्जांपल में समझिए, x लेट लेट मान लेते हैं x इज नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है, तो x इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है तो यहां पे ऐसे लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो इसको हिंदी में बोलेंगे x बड़ा है या बराबर है किससे, 4 से। तो इसको एग्जांपल में क्या हो जाएगा कि करा x का वैल्यू बड़ा है या बराबर है, मतलब 4 होगा और 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये दूसरा सिंबल इस तरीके का लिखा हुआ, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू, और इसका अर्थ हम लोग समझ गए। तो थर्ड सिंबल देखिए इस तरीके से, इस तरीके से लिखा हुआ मतलब इसको बोलेंगे इज लेस देन, लेस देन मतलब क्या, छोटा छोटा है, क्या है छोटा है। जैसे दैट इज अर्थात में समझिए एक्स लेस देन ए, एक्स लेस देन ए इसको पढ़ेंगे एक्स इज लेस देन ए, मतलब एक्स छोटा है किससे, ए से, इसका हिंदी हो गया। जैसे आप अभी इसका एग्जांपल में समझना चाहते हैं तो यहां पर लेट कह लेते हैं एक्स इज नेचुरल नंबर, सारे एग्जांपल एक जैसा ले रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी मिले और आप समझ पाए सभी को बारीकी से, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि क्या अंतर है या नहीं। तो x इज लेस देन x इज नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट में x लेस देन 4 ये लिख लिए x, या सिंबल लगा दिए, सिंबल को पढ़ेंगे लेस देन, तो इसको अगर हम लोग को रीडिंग करना तो बोलेंगे x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन 4 मतलब हिंदी में बोलेंगे x छोटा है किससे, 4 से, इसका हिंदी हो गया। अब इसको अगर एग्जाम लिखना हो तो करा है 4 से छोटा और x क्या है नेचुरल नंबर, तो 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3 इतना ही हो सकता, क्योंकि एक ही नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता, एक के अलावा अगर 0, 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, जो 4 से छोटा है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो 4 से छोटा, तो 1, 2 और 3 होगा। अब हम लोग सिंबल नंबर समझते हैं 4, तो सिंबल नंबर 4 क्या ना, इस तरह से अगर इस तरह से लिखा हुआ मतलब इसको पढ़ेंगे इज लेस देन और ओ आर और इक्वल इक्वल टू इक्वल टू, तो इसको पढ़ेंगे x लेस देन और
इक्वल टू मतलब छोटा, छोटा है या बराबर, छोटा है या बराबर है, इसको हम लोग बोलेंगे छोटा है या बराबर है। जैसे दैट इज में समझिए एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हुआ, इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे इसको एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, हिंदी में बोलेंगे एक्स छोटा है या बराबर है किससे, ए से, ए हो गया छोटा है या बराबर। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लेट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो एक्स इज नेचुरल नंबर तो एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, तो एक्स लेस देन इक्वल टू फोर मतलब इसको पढ़ेंगे एक्स इज लेस देन, लेस देन और इक्वल टू ए, ए के जगह पे क्या फोर है तो यहां पे बोल देंगे फोर। हिंदी में बोलेंगे एक छोटा है या बराबर है किससे, चार से, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे आंसर में एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे करा चार भी और चार से छोटा भी, इसका सिंबल होता है क्या, लेस देन इक्वल टू, छोटा है या बराबर। अब हम लोग समझेंगे फाइव सिंबल, सिंबल पांचवा सिंबल हो जाएगा इस तरीके से, अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको नॉट इक्वल टू, अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है। जैसे दैट इज में एक्स और इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको पढ़िए एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, हिंदी में हो जाएगा एक्स बराबर नहीं है ए से, ये हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर समझना चाहेंगे तो मान लीजिए यहां पर लेट एक्स इज नेचुरल नंबर, तो एक्स इज नेचुरल नंबर, तो एक्स आपका प्राकृत संख्या है तो यहां लिख दिया गया एक्स डज नॉट इक्वल टू फोर, इसका मतलब क्या, यहां पे अगर इसको रीडिंग करना हो तो पढ़ेंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर और एक्स वन होगा टू थ्री फोर नहीं करा, फोर नहीं होगा तो क्या होगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये ऑल नेचुरल नंबर होगा, सभी प्राकृत संख्या होगा, कौन नहीं केवल चार को छोड़कर, ए हो गया इनक्वालिटीज का सिंबल। तो इनक्वालिटीज का सिंबल हम लोग ए नोट कर लेंगे, अब इनक्वालिटीज का सिंबल क्या क्या पढ़े वो एक बार रिपीट हम लोग करते, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू, ए सिंबल का, ए सिंबल का नाम क्या है ग्रेटर देन, ए सिंबल का नाम क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू और ए सिंबल का क्या नाम है लेस देन, ए सिंबल का नाम लेस देन इक्वल टू और इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। तो इन क्वालिटीज में हम लोग अभी सिंबल समझे, अब सिंबल समझने के बाद इंटरवल समझते, अब इंटरवल समझना हम लोग को इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरवल होता क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतराल,
तो इंटरवल यहाँ पे हम लोग चार प्रकार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। तब हम लोग हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो इंटरवल हम लोग पढ़ेंगे, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल यहां पे चार प्रकार से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लोज, क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल हिंदी में बोलते हैं बंद अंतराल। अब बंद अंतराल होता क्या? तो क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, बंद अंतराल का सिंबल अगर देखेंगे तो इस तरीके से इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट होता, यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे जो एलिमेंट, एलिमेंट मतलब अवयव, यहाँ पे जो अवयव और यहाँ पे अवयव, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। ए लोअर लिमिट निम्न सीमा और ए अपर लिमिट उच्च सीमा। तो क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल आदि हम लोग बड़ी ब्रैकेट में कोई नंबर को लिखते, जैसे दो और पांच लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दो और पांच, ये आपका लोअर लिमिट होता है, यहाँ पे क्या होता है अपर लिमिट। अगर आप और इसको अगर अच्छे डिटेल से समझना चाहते हैं क्लोज इंटरवल मतलब ए पे समझिए, दैट इज अर्थात में ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इस क्लोज इंटरवल को इनक्वालिटी से समझाते हैं। तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है एक यहां पे साइन स्कीम को खींच दीजिए, ए माइनस इनफाइनाइट और ए प्लस इनफाइनाइट, यहां ए ए लिख लीजिए, यहां बी और बी लिख दीजिए। लेस देन इक्वल टू है मतलब यहां बोल्ड करेंगे, और बी है तो बी के बाद भी बोल्ड करेंगे क्योंकि लेस, और इसका मतलब क्या, इसको अगर हिडन कर दे इसका मतलब एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है और बराबर भी है, मतलब ए से बड़ा भी है और बराबर, उस कंडीशन में बोल्ड कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। बी कंडीशन में देखे तो करा बी से छोटा है एक्स का वैल्यू और बराबर भी, उस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या करेंगे बोल्ड, मतलब ए से बड़ा और बी से छोटा ए भी। तो इसको अगर हमें इंटरवल में लिखना हो तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए से बी, इस तरह से। जैसे यदि एग्जांपल में आपको यहाँ समझाएं तो ए लिखा हुआ टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एट, तो इसको अगर साइन स्कीम बना लेंगे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, दो और एट, ए इक्वल टू लग गया है लेस भी लग गया, मतलब यहाँ बोल्ड करेंगे यहाँ भी बोल्ड करेंगे, इसका वैल्यू बोला दो से बड़ा, दो से बड़ा, ये बोल रहा है आठ से छोटा और बराबर भी, बराबर भी, तो यहाँ बोल्ड, तो एक्स का वैल्यू, तो इसको इंटरवल में लिखना हो तो दो और एट, ये क्या हो गया क्लोज इंटरवल में लिखा गया। तो क्लोज इंटरवल हम लोग समझ गए कि दो भी और दो से बड़ा, चार भी और आठ भी और आठ से छोटा, मतलब ये होता है क्लोज इंटरवल। अब हम लोग समझेंगे ओपन इंटरवल। तो सेकेंड में हम लोग समझेंगे ओपन इंटरवल।
अब ओपन इंटरवल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं खुला अंतराल। अब एक खुला अंतराल होता क्या, खुला अंतराल का सिंबल देखे तो छोटी ब्रैकेट ऐसे, ए ऐसे यहां पे छोटी ब्रैकेट में ए वाला एलिमेंट ए लिखा हुआ, मतलब इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। ये किसका सिंबल है, ओपन इंटरवल। ए होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ए होता है अपर, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और ए अपर, निम्न सीमा और उच्च सीमा। जैसे यदि यहां समझ ले, यदि इफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी दिया हुआ, इसका मतलब दैट इज, अर्थात साइन स्क्रीन से समझिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब करा ए से बड़ा होगा एक्स का मान, ए नहीं है, ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ा है एक्स का मान, इसका मतलब होल होल। और बी, बी नहीं है, बी से छोटा, इसका मतलब होल। तो ए होल मतलब हो गया ए नहीं है ए से बड़ा, बी नहीं है बी से छोटा, तो ए से बड़ा वैल्यू और बी से छोटा वैल्यू। तो जब लेस देन खाली रहेगा तो क्या होल का चिन्ह देंगे, होल मतलब यहाँ पे अगर इसको आंसर में लिखना है तो ए से बी, ए से बी, इसका मतलब हो गया ओपन इंटरवल, ए नहीं है ए से बड़ा, बी नहीं है बी से छोटा, इसका मतलब होता है ए, ए, ए होता है ओपन इंटरवल का। जैसे आप एग्जांपल में यहां समझे कि चार फोर टू लेस देन, क्या लिख दिया, टू लेस देन और एक्स लेस देन एट, ए लिख दिए। अब इसको यहाँ पे साइन स्कीम में समझ लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, दो और आठ, एक करा दो से बड़ा एक्स का वैल्यू, दो नहीं मतलब होल लगाएंगे, आठ नहीं आठ से छोटा होल लगाएंगे तो एक्स का वैल्यू, तो आंसर इसको लिख देंगे ओपन इंटरवल में लिखाएगा, क्या लिखाएगा ओपन इंटरवल, ए होता है ओपन इंटरवल। तो हम लोग समझ गए क्लोज इंटरवल और ओपन, क्लोज इंटरवल मतलब जो पॉइंट है उस पॉइंट से बड़ा भी और छोटा भी, ओपन इंटरवल मतलब वो पॉइंट नहीं उस पॉइंट से बड़ा और उस पॉइंट से छोटा, ये होता है ओपन इंटरवल। अब हम लोग तीसरा इंटरवल समझेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, तो क्लोज ओपन इंटरवल मतलब बंद खुला अंतराल, तो बंद खुला अंतराल। अब बंद खुला अंतराल होता क्या, तो बंद खुला अंतराल का हम लोग देखे तो यहां पे ये क्या हो गया ना, बंद और ये हो गया खुला, तो इस तरीके से सिंबल क्या होता है ना, बंद और खुला, इसका और एक सिंबल होता है बंद, तो ए ऐसे दे दिए और ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, तो ए भी क्या होता है ना, बंद खुला अंतराल। जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल ऐसे था, इसी ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे हा? ऐसे क्लोज ऐसे, तो ऐसे लिख दिए, मतलब किसका सिंबल दर्शा रहा, इसी को ओपन इंटरवल का सिंबल को, ए बड़े ब्रैकेट के सिंबल को उलट देंगे तो क्या लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल। ए भी ओपन इंटरवल का सिंबल है, ए भी ओपन इंटरवल का सिंबल है, तो क्लोज ओपन इंटरवल हो तो एक क्लोज और ए ओपन इंटरवल, यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पर एलिमेंट, इस एलिमेंट को बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, ये भी वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे यदि हम लोग यदि यहां पे समझते इफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी,
दैट इज अर्थात में यहाँ पे ए समझ लेते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ए ए और ए बी, इसका मतलब ए से बड़ा भी और बराबर ही, मतलब गाढ़ा, बी बी नहीं बी से छोटा, तो ए एक्स का वैल्यू आंसर लिखना हो तो लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट ए और बी छोटी ब्रैकेट ऐसे, या इसी को लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बी और ए ऐसे, इस तरीके से लिखे या इस तरीके से, जैसे आप एग्जांपल में समझिए 2 < x < 8 लिखा हुआ, साइन स्क्रीन जरा खींच ले उस पे दर्शा के समझा दे, तो 2 और 8, 2 मतलब यहाँ पे होल और यहाँ पे बोल्ट होगा और ये होल होगा, तो इस तरीके से x का वैल्यू होगा, तो आंसर में देना हो तो 2 से 8 ओपन इंटरवल में, और दूसरा एग्जाम मतलब इसको लिखना हो तो 2 और 1 ऐसे, ए भी आपका क्या ना क्लोज ओपन इंटरवल का सिंबल हो गया, एक क्लोज ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है। तो हम लोग चौथा सिंबल देखेंगे ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओपन क्लोज इंटरवल, तो क्लोज ओपन इंटरवल, तो ओपन क्लोज इंटरवल मतलब खुला खुला बंद अंतराल, तो खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल का हम लोग सिंबल देखेंगे तो ओपन और यहां क्लोज, या इसी को लिख सकते ऐसे और ऐसे, इसका मतलब होता है ओपन और क्लोज, ये यहां पे जो रहेगा ये आपका लोअर लिमिट और ये होगा अपर लिमिट, वही चीज यहां पे, जैसे यदि हम लोग यहां पर a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b दैट इज साइन स्कीम बना लीजिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट a और a हो गया b इक्वल लेस देन इक्वल टू मतलब यहां बोल और a होल, a इससे बड़ा और छोटा, तो a हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू ए और ले बी क्लोज इंटरवल, या इसी को लिख सकते हैं एक्स एक्स इक्वल टू ए और बी, ए हो गया आंसर किसका ओपन क्लोज इंटरवल, तो ओपन क्लोज इंटरवल सिंबल ऐसा और इस तरीके के है, तो साइन स्कीम से इस तरीके से दिखा देंगे, तो ए हो गया आपका इंटरवल। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अब हम लोग को समझने में और आंसर देने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग समझ चुके हैं इंटरवल इनक्वालिटीज का सिंबल और इंटरवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब समझेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो ये 12.1 एक्सरसाइज आपका बुक चल रहा है डॉक्टर केसी सिन्हा से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, यदि x और ऋणात्मक पूर्णांक हो तो हल कीजिए, और ऋणात्मक और ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब यहाँ पे और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये होता है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये आपका क्या नाम और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या डॉट डॉट डॉट, ये सब है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब हम लोग यहाँ पे करा x और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो तो हल कीजिए, इसका करा हल कीजिए समुच को संख्या रेखा पर भी दर्शाएं, तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ 2 - 3x < 5 - 4x ये दिया हुआ, अब इसको सोल्व करना, इसका मतलब क्या ना इनक्वालिटीज लेस देन,
तो इस तरीके को सोल्व करना बड़ा सिंपल है। क्या कह लीजिए, यहाँ पे 2 माइनस में 3x, ए माइनस 4x को इस तरफ से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में x और लेस देन यहाँ पे क्या है ना 5 रहने दीजिए। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ x और a लेस देन 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ना माइनस में, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में, और x लेस देन इसको घटा लीजिए तो 3। तो x लेस देन 3, तो ए x लेस देन 3 आ गया। अब इसको अब हम लोग को यहाँ पे करा हल इसका आंसर दे सकते, इसका मतलब अभी हम लोग थ्योरम में समझे, x लेस देन 4 इसको हम लोग आंसर दे देंगे, मतलब x छोटा है किससे, 3 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, 2 से मतलब 3 से छोटा, तो 1, 2 हो सकता है, और ऋणात्मक मतलब 0 भी ले सकते हैं 1, 2 में। एक तो ए आंसर हो गया। अब कह रहा है इसको संख्या रेखा पर भी दिखाइए, तो संख्या रेखा पर दिखाना तो यहाँ पे साइन स्किन खींच लेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के, ए क्या ना एक्स लेस देन 3 मतलब यहाँ 3 लिख देंगे, 3 से क्या करा 3 के बराबर नहीं 3 से छोटा मतलब क्या होगा होल होगा 3 से छोटा, तो 3 से छोटा किधर इधर का वैल्यू सारा होगा, और x कह दिया x क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब 0 से शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहां तक इनफिनिट तक, तो और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या मतलब 0 और 3 के बीच में ही होगा वैल्यू, तो ए साइन स्कीम पे आंसर हो गया। इसका साइन स्कीम बन जाएगा 0 से कहां तक 3 तक होल तक, तो 0 से 3 तक, तो ए हो गया आंसर, इतना ही वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू 0 से और 3 होल नंबर। तो आप जैसे भी आंसर एक्स का वैल्यू दे सकते ऐसे ऐसे या ऐसे, संख्या रेखा पे बोला तो संख्या रेखा दिखा दिए। तो अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा तीसरा चौथा ये सारे एक्सरसाइज करेंगे, वो हम लोग अगले एक्सरसाइज में करें अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग इतने तक देखते, फिर अगले क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।